खोलो की चैन। ठीक है रहो इसी में, ताला लाइए जाए। ए, ताला तो एक ताला। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारे घर पे बन रहा है कोलकाता का बहुत ही ज़्यादा फेमस मछली, और वो मछली जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो वाला ब्लॉग भी देखने को मिल जाए जो कि शॉर्ट चैनल पर आएगा। पर अभी मम्मी बैठ चुकी हैं, हम लोग बाहर बैठ के बनाते हैं लोग, और अंदर से बाहर हो गया खाना। तो इस जगह पे ही हम लोग डाइनिंग टेबल लगाएंगे। वहाँ पे शीशा आ गया है ग्लास, लेकिन उसका सब सेटिंग करना है। टेबल भी आ गया है और उसका चेयर भी, 8 चेयर है तो और भी आ गया। यहाँ पे सोचे हैं लोग ग्रास लगाने के लिए, और यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ झूमर लगेगा। एक झूमर भी आया हुआ है जो कि रंजना के घर से आया था, वैसे छोटा है वो, पर आप लोगों को खुल के दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। और आज हमारे घर पे पीछे का जो पार्ट है आप लोगों को शायद देखने को नहीं मिला होगा, शायद देखने को मिल जाएगा इस ब्लॉग में, कि पीछे का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। आप लोग बार बार कमेंट एक कर रहे थे कि हम लोगों का रूम साफ़ नहीं रह रहा है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम लोग का अलमारी का चाबी जो था ना वो थोड़ा गुम हो गया है। कहाँ रखा है, आज फाइनली लेके आ रहे हैं पापा जी, तो आज अलमारी भी खुल जाएगा और जो है साइड वाला जो कॉर्नर वाला जितना भी कवर्ड था वो सब अब खाली हो गया है। तो अब जाके फाइनली रूम पूरी तरह से ठीक हो गया, और आप लोगों को देखने को दिखा देते हैं कैसा हो गया है रूम। और चलिए दिखाते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज क्या क्या हुआ है, आप लोग खूब सारा कमेंट किए, और स्टार्ट कर। खोलो किचन। ठीक है रहो इसी में, ताला लाइए जाए। ए, ताला तो एक तो ताला इसमें मार दे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया कि रंजना अगर गेट खोल देती तो कुछ बात होता, खोलो। उसका मर्जी नहीं था खोलने का, तो अब मैं फोर्स नहीं करूँगा। चलिए गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या करते हैं। साफ हो गया है ठंडा है पानी।
तो गैस अब आप लोग देख सकते हैं, रुकिए ये वाला लाइट मैंने लगाया है, थोड़ा सा आप लोग को तीखा लग रहा होगा, क्यों लगाया है आप लोग को अभी पता चल जाएगा। एलेक्सा रेड लाइट, देख सकते हैं आप लोग ये पूरा जो है अभी ये ना पूरा खाली हो गया, और थोड़ा सा बचा हुआ इधर सामान वो भी इस मामले में शिफ्ट हो जाएगा। एलेक्सा ब्लू लाइट, तो गाइस जी यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लाइट हो गया, इसलिए मैंने लगाया है, और रात में ना मतलब ठंडा है ना, तो एलेक्सा वार्म वाइट लाइट, तो इसलिए मैंने ये वाला लाइट लगा दिया है कि मैं बोल दूंगा कि लाइट ऑफ तो लाइट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला मैंने हम लोग यहाँ लगा दिया है, और ऊपर एक मस्त सा फोटो यहाँ लगा है, और एक इधर फोटो है, और एक यहाँ पे गिफ्ट मिला है। तो फाइनली ये चेयर तो यहाँ नहीं रहेगा, अभी डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल जो है आना बाकी है, पर ये हम लोग का अलमीरा थोड़ा उधर खिसक जाएगा, और यहाँ हो सकता है कि टीवी लगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, पहले से चेंज हुआ है कि नहीं। ये चारों लाइट भी जलता है पर अभी नहीं जला रहे हम लोग, और जैसे सारा सारा का सारा जो ना बहुत सारा फ़ोटो फ्रेम भी लगाना है, तो वो लग जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा, और बस इसी रीज़न से आप लोग देखे होंगे कि मैंने कोशिश तो किया था। तो चलिए गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या गिफ्ट दिया था। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद मम्मी अभी आप लोगों को देखने को मिली होंगी किचन में, और किचन में आज बन रहा है, वैसे तो मम्मी अभी नॉनवेज बनाई है मछली, और रोटी थोड़ा देर बना के, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत रोटी थोड़ा बना, बना दे रहा है रोटी, और बनाएगी रंजना, और उसके बाद से जो है आप लोगों को वो वाला ब्लॉग का इंतजार रहेगा जो अभी मछली बना है, तो देखते हैं कि उसको हम जैसे टाइम मिलता है फटाक से उसको भी डाल देंगे, और उसके बाद से तो अभी मैं क्या दिया था गिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और एक मम्मी चढ़ावा पे एक सेट दी थी हार का, वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज। एक एक करके जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोला जाता है कि मम्मी रोटी आप फास्ट बनाती हैं या पापा जी या रंजना, पापा जी क्या बनाएंगे फास्ट, नहीं पहले पापा बनाते थे, पहले पढ़ते थे ना तो बनाते थे। तो गाइज यहाँ तीन आंच है आप लोग देख सकते हैं, तीनों के लिए एक दिन हम क्या करेंगे कि तीनों के लिए नहीं दो ही के लिए लाएंगे ये तावा, और मम्मी और रंजना का देखते हैं कौन जल्दी जल्दी बनाता है, और जो ज़्यादा जल्दी बनाएगा वो जीत जाएगा, पर देखते हैं वो दिन कब आएगा। चलिए गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मस्त सा सेट। रंजना तो नहीं खाती है तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए आएगा कुछ सब्जी, दूध है, रोटी है, सब्जी है, बोले हैं पनीर मंगा देते हैं बना लो, तो ठीक है बन जाएगा। तो गाइस बात करते करते मम्मी क्या की है, सिर्फ मुश्किल से 15 से 20 मिनट हम लोग हमको ज्यादा टाइम गए हुए थे, और यहाँ पे पूरा का पूरा रोटी बन चुका है, तो इसको क्या ही बोलेंगे, इसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। तो चलिए गाइस अब आप लोगों को हम वो चीज भी दिखा देते हैं, तो गाइज अब फाइनली आ चुके हैं हम रूम में, और इस वीडियो को देखने के बाद से बहुत सारा कमेंट आने का अनुमान है, और क्यों है क्या नहीं है वो सब तो बाद में, तो सबसे पहले मम्मी जो गिफ्ट तो नहीं बोलेंगे तो भाई चढ़ावा जो दी थी मम्मी, तो चढ़ावा पे क्या चढ़ा था आप लोग तो बहुत से लोग देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो आज आप लोगों को बता देती हैं मम्मी कि सबसे पहले इनका डिज़ाइन जो था वो यही क्यों सिलेक्ट हुआ, और इसमें क्या खास बात था, तो क्या है वो पहले आप लोग देख लीजिए। पहले आप लोग से बता रहे हैं कि जो भी मेरे घर में ज्वेलरी खरीदा है या कपड़ा खरीदाता है तो हम अपने पसंद से ही लेते हैं, क्योंकि कोई उस समय था भी नहीं बताने वाला या सपोर्ट करने वाला, हम जैसे पैसा होता है उसे धीरे धीरे करके खरीदते हैं, एक बाइक ये नहीं सोचते हैं कि कल बारात जा रहा है तो आज जाकर शॉपिंग करें, ऐसे हम नहीं करते हैं, हम अपना सहूलियत से सब कुछ करते हैं, उसी के नतीजा है कि हम पर ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ता है और हम लोग आराम से काम निकाल लेते हैं। तो ज्वेलरी जो था वो हम धीरे धीरे आराम से शॉपिंग कर रहे थे तो एक एक करके लिए हैं, तो आप लोग को भी सब दिखा देंगे कि हम लोग क्या क्या खरीदे थे चढ़ावा में क्या दिए हैं, तो चलिए आप लोग को बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं दिखाने,
तो आज बस दो चीज ही दिखाएंगे गाइस, उसके बाद फिर अगला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया जाएगा जी, क्योंकि रात का समय हो चुका है और आप लोग भी आराम करेंगे, तो इसीलिए सबसे पहला जो है वो सबसे डेंजरस, सबसे मस्त और सबसे अट्रैक्टिव भी लग रहा था, वो और कुछ नहीं है, वो है हार। तो ये गले का सेट है, तो आप लोगों को दिखा रहा है कि कैसा है वो। और ये ऐसा है ना कि पार्टी या फंक्शन में ही पहन सकते हैं, हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है। तो वैसे भी गले का सेट जो भी होता है वो पार्टी के लिए ही होता है, शादी विवाह के लिए होता है, जनरली पहनने के लिए नहीं होता है, उसके लिए मंगलसूत्र या चेन होता है। तो हम लोग हमेशा वही वेयर करते हैं जैसे हम किए हैं, तो चेन और मंगलसूत्र यही पहनना है। तो रंजना भी चेन और एक डोलना हम दिए हैं, ढोलना वो पहनेगी। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम क्या दिए हैं उसको गिफ्ट में। गिफ्ट नहीं, इसको चढ़ा हुआ बोलेंगे, और भी सब चीज है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मंडे को सोच रहे हैं कि बैंक में भी रख दे, तो इसीलिए हम सोचे कि दिखा देते हैं। तो चलिए दिखा रहे हैं, यहाँ खुल जा सिम सिम, ये है यहाँ। हम झुमका दिखाए थे आप लोग को, तो आप लोग बोले थे कि आंटी जी ये पुराना डिजाइन है मत लीजिए, लेकिन इस पे बहुत अच्छा चल रहा था ये झुमका, तो हम इसको इसका सेट लिए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा डिजाइन हमको अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो हम लिए खरीदे इसको। यहाँ कुछ फूल बना हुआ है, फ्लावर ऐसे ऐसे करके फ्लावर है, और ये सब एकदम सोभर हमको लग रहा था डिजाइन, और हमारा किफायत में भी हो गया ज़्यादा। देखिए ये फ्लावर बना हुआ है, और यहाँ इसका कली निकला है, और ये भी फ्लावर बना है, तो हमको ये किफ़ायत में भी हो गया बजट के हिसाब से, और ज़्यादा हेवी नहीं हुआ। इस समय तो गोल्ड बहुत महंगा है, लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से ले लिए, तो पहले से ही लिए हुए थे। इसमें चावल भी है, तो अच्छा था ये चावल, यहाँ चावल है, सब अच्छा था। तो कैसा लगा डिजाइन? मनीषा के पास ऐसा पट्टी है, और ये पट्टी मनीषा के पास है, तो हम सोचे कि लॉन्ग ही लेते हैं कि बार बार खरीदाता नहीं है कोई सामान, तो कल इनके पापा ले जाकर लॉकर में रख देंगे, यहाँ हम लोग पास में ही बैंक है। तो चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि मैंने दिया था एक मस्त सा रिंग जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा देते हैं। तो ये है डिजाइन रिंग का, ये भी मेरे पसंद का ही। तो ये प्रिंस दिए हैं उसको रंजना को गिफ्ट में, और हम भी दिए हैं एक, तो हाथ में पहनी हुई है। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, फिर मिलते हैं कल।